अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू गपशप व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं अपने यूनिफॉर्म में आप कह रहे होंगे होंगी, मैंने अभी तक कपड़े नहीं बदले क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्यों। ताइमा की तरफ हम लेके चलते हैं, उनसे पूछते हैं मेरे कपड़ा ना बदलने की वजह। दार मसालेदार ताइमा बना रही है आलू। आज नाश्ता ना होने के बराबर किया। आपको वजह भी थोड़ी देर में बताते हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर के बाद बताते हैं कि हमारा नाश्ता क्यों इतनी देर से हो गया, और हम यानी समझेंगे पूरी रात ही जागते उठते बैठते रहे। हाँ, ये अब हमने जल्दी कर लिया आलू। अभी गारा ने चाय में दूध नहीं डाला। अब दुआ करें कि आप लोग के आलू गल रहे हैं। ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं जो कि इस वक्त अमेरिका में हैं। उनका नाम अतिया नाम है उनका। ये उनका भाई है इमरान अब्बास। मैंने ज़ारा से कहा कि ज़ारा आज इनकी तस्वीर बनाओ। ज़ाहिर है अगर ये उसका भाई है, अतिया का भाई है, तो ये समझे मेरा तो बेटा है। तो बस मैंने कहा इसकी तस्वीर बनाओ ताकि मैं आज अतिया को बाहर भेजूँगी ना। तो ज़ारा की तबीयत अच्छी नहीं थी, ज़ारा ने बनानी शुरू की है। दुआ करें कि बिल्कुल ऐसी बन जाए, क्योंकि ज़ारा ने खासे अरसे के बाद ये काम दोबारा शुरू किया है, क्योंकि ज़ारा ने इसको बंद किया हुआ था। चलें अब देखें आप कि आप बताएंगे। खासी बेहतर है मेरे तो ख्याल में, खासी क्लोज, बल्कि बेहतर तो नहीं कहूँगी, खासी क्लोज है। देखें अब क्या बनता है। देखिए ज़रा छापा बढ़ गया आप पे भाई हैं, छापा बढ़ गया आप पे। क्या वजह है इसका? वो एक दूसरी भी है, वो देखो दोनों है। क्यों दूसरी भी बबल? ये वाला लॉन भी साफ हो गया है, ये वाला लॉन। भाई ये लोग खेल रहे हैं, क्या दिख कर रहे हो? क्या रही है? तो फिर आज हमारे दिन का आगाज अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने हमारा सुबह दरवाज़ा खटकाया, बेल दी, हम बाहर निकले। पता चला कि 5 बजे जो सुबह के वक्त कोई एक चोर, तीन चार पाँच चोर जो थे, उन्होंने मुख्तलिफ गाड़ियों की बैटरियाँ निकाली। और उसके बाद ज़ाहिर हमने पुलिस से कॉन्टेक्ट किया, जो कि बिल्कुल हमारी नहीं सुन रही, बिल्कुल उसने हमारी बात मानी नहीं। उसके बाद मैं इनके ताया उठे, उन्होंने ज़ाहिर उन्होंने कंप्लेन की पुलिस, फिर हमारे घर आ गई। ज़ाहिर इस गली की उन्होंने 5-6 बैटरियाँ निकाली हुई और उसके एसी के सिस्टम निकाले, इसलिए हमारा दिन अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी उसके बाद हमने बहुत लेट नाश्ते का आगाज़ किया। ये लें जी, ये आपको आवाज़ें तो आई नहीं होंगी, अगर छोटे बच्चे होते तो ये मैं ढेर सारे खिलौने ले लेती। इस वक्त हमारे घर सबसे छोटी ज़ारा है, अगर ज़ारा को कुछ चाहिए तो लेके दे सकती हूँ। ज़ारा अगर आपको कुछ चाहिए तो ले सकती हैं। हाँ गेट वेल सून के लिए कुछ ले लो। नहीं आज आपने मुझे बहुत अच्छा खाना। हाँ आज हमें क्वेस से यानी कि हमारी एक बहन, यानी मेरी तो बेटी है, ज़ाहिर है उसने ये कहा है कि हमारी आवाज़ थोड़ी मध्यम होती है, इसलिए हमने ज़ोर से बोलना। मैं डर गई। हाँ ताकि क्वेत वाली बच्ची बुशरा को आवाज़ जाए। और ये बस इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। दिल चाह रहा लगे हाथों ना थोड़े से लीमू तोड़े जाएँ ताकि उमैर को दिखाई जाए। बस इसके साथ ही आप लोगों से हम इजाज़त चाहेंगे। बस हमारा इख्तियार सिर्फ दुआओं तक है। जब तक ज़िंदगी रही आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं मांगते रहेंगे। परवरदिगार आपको बुरी घड़ी, बुरी नज़र और बुरे लोगों से महफूज रखे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। इजाज़त चाहेंगे। इजाज़त भी एक लफ्ज़ ही है। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्यार और दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।